नमस्कार साथी, माता पिता गुरुजनों को नमन करते हुए आज किस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग एक ऐसे पौधा की स्टडी करेंगे जिसका नाम है पाइनस मैरिटिना, और इसे सुगर पाइन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका कॉमन नेम अनानास है, अनानास जैसा भी लगता है, जो हम लोग घरेलू इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। थोड़ा सा खट्टा और मीठा लगता है। इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथ में जो इस्तेमाल हुआ है मेडिसिन के रूप में, वो बीई के अंदर हुआ है, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ के जो पौधा में इस्तेमाल हुआ है, पाइनेसिया फैमिली से बिलोंग करने वाला पौधा है। और इसका जो हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि ये वर्ल्ड वाइड पाया जाता है, पूरे विश्व में इसकी खेती होती है और इस्तेमाल किया जाता है। पार्ट जो इस्तेमाल होता है वो इसका होल प्लांट इस्तेमाल होती है पौधे का। इंडिकेशन हम लोग देखेंगे तो एक्सपेक्टोरेंट है, लेग्जेटिव है और ब्रोंकाइटिस पे काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स लेते हैं। खास करके रिस्पायरेटरी सिस्टम पे इसका बहुत ही अहम रोल है। इस पौधे का देखेंगे तो पहचान के लिए जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी पत्तियां क्लस्टर है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है, नीडिल लाइक प्रोड्यूस करती है, नीडिल जैसा चुभने जैसा इसकी पत्तियां में पाई जाती है, पोलन ग्रेन भी पाया जाता है। कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो इसमें रेजिन पाया जाता है और टारपीन वाइल जिसे बोलते हैं, मार्केट में अवेलेबल होती है, वो इसी पौधे से बनाई जाती है। बंधु, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, खास करके चिकित्सक बंधु के लिए। ये वीडियो मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे चिकित्सक हैं जो प्लांट को बताते ही नहीं हैं, जबकि प्लांट ही इस साइंस का बेस है, पीलर है। यदि प्लांट को नहीं समझेंगे तो आगे समझना काफ़ी मुश्किलें होती है। और इसी वजह से इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर अलग पद्धति में चिकित्सा करने लग जाए, क्योंकि आपके अंदर जब ज्ञान का अभाव होगा तो निश्चित ही आप इधर उधर भटकेंगे। और साइंस किसी का गुलाम नहीं होता है, ज़रूरत होती है आपको स्टडी करने की, अपने साइंस में आपको महारत हासिल करने की, तो आप अपने बेस को मजबूत करें। और बेस इलेक्ट्रो होम्योपैथ का प्लांट है। जिस तरह से घर को बनाने के लिए पिलर की आवश्यकता होती है, ईंट गिट्टी बालू सीमेंट की आवश्यकता होती है, उसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथ साइंस को डेवलप करने के लिए प्लांट की स्टडी, उसकी बेस की स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद साथी।